ये ले, ये पी ले। ये क्या है? हल्दी वाली दूध है, जहर नहीं पिला रहे हैं, चुपचाप पी ले। अरे तुम जो कर रही है ना, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। खोल मो मुखन। एक मिनट, बिहान जी देखिए ये क्या करते हैं। बिहान जी देखिए ना, ये लोग मुझे जबरदस्ती हल्दी वाला कड़वा दूध पिला रहे हैं। क्या? देखो ये माँ है, कभी कभी ये हमारे भले के लिए ऐसा करती हैं। और अगर तुमने बिना किसी नखरे के ये दूध पी लिया तो ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगी। सो रिलैक्स, चलो जल्दी से दूध पियो, चलो पी ले बेटा, जल्दी पी ले। हाँ बेटा पी लो बेटा, पी ले बेटा, ठीक हो जाएगा, जल्दी ले पी ले। अब आएगा मजा, जब जमाल गोटा अपना काम करेगा। तूने हमारी बहू को परेशान किया है ना, अब देख हम क्या करते हैं। थैंक यू मिनीमा। ताईमा थैंक यू। तू बेटा है हमारा और ये बहू। कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? हाँ विहू, कल एनुअल चेकअप के लिए जाना है ना क्लिनिक में, 7 बजे तैयार रहना। एनुअल चेकअप? हाँ बेटा, हर साल हम सब जाते हैं ना पूरा चेकअप के लिए। मैं भी चलूंगी आपके साथ, मैं भी इस घर की मेंबर हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। ओके विभा, अपना ख्याल रखना। हाँ गुड नाइट बेटा। गुड नाइट ताईमा। गुड नाइट विहू। गुड नाइट। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? आपका डेली डोज? हाँ बताओ ना कहाँ रखा है, मैं खुद ले लेता हूँ। बताओ। नहीं नहीं मैं देती हूँ। जब तक ये टैबलेट बिहान जी खाते रहेंगे तब तक उन्हें अपने पुराने दिन कभी याद ही नहीं आएंगे। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम सब मिलकर, ये टैबलेट हमेशा बिहान जी को एक ऐसी हालत में रखेगा कि उन्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं आएगा। तभी तो बिहान जी मेरे कंट्रोल में हैं। और आरुषि कभी इन्हें मुझसे जीत नहीं पाएगी। मैं कभी भी हान जी को वापस आरुषि के पास जाने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। हे भगवान, पता नहीं आज मेरे पेट को क्या हो गया। आह, आह। तुम तैयार नहीं हुई? क्या जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम आओ बैठो, हम एक काम करते, अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा देते। ना पुत्र ना, हम चेकअप कैंसिल नहीं करवा सकते, एडवांस में पूरी फीस पार दी और अपॉइंटमेंट ली है। तैनु नहीं पता यहाँ की अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब बहू तू एक काम कर,
तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद तू अपना चेकअप करवा लेना है? लेकिन विवेका, चाची माँ ठीक कह रही है, पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब ही नहीं, सबकी फीस वेस्ट हो उससे अच्छा है कि सिर्फ तुम्हारी फीस वेस्ट हो। तुम एक काम करो, तुम घर पर रहो और आराम करो। चाची माँ मैं आपके साथ चल रहा हूँ, हम विवाह का चेकअप फिर कभी करवा लेंगे। करेक्ट पुत्र, तू चल मैं आती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, कोई दवाई ले लेना। बहू बहू तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर। अब चल पुत्र आराम से। आरुषि बेटा समझ में नहीं आ रही कि क्या बोलकर तुमको ले चले। व्यू तो यही समझती है कि तुम इस घर का सदस्य नहीं हो। ताई माँ मेरी फिक्र मत कीजिए, हमारा मेन मोटिव तो विहान का चेकअप करवाना है ना, बस किसी तरह ये पता लगाना है कि उसकी याददाश्त खोने का असली कारण क्या है। उसकी याददाश्त हम वापस कैसे ला सकते हैं? मुझे पक्का यकीन है ताई माँ उस औरत ने हमसे झूठ कहा है, बात जरूर कुछ और है। कोई ना कोई इलाज तो होगा, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसका कोई इलाज ना हो। और हमने उसे जो जमाल गोटा पिलाया है उसकी वजह से आज वो कहीं नहीं जा पाएगी, घर पर ही रुकना पड़ेगा उसे, है ना? हाँ। संभल के बेटा, जा पुत्र जा। चल चलो हरप्रीत। माँ को लेकर उस गाड़ी में जाओ और सुनो ध्यान से चलना। आरुषि बेटा तुम सामने बैठ जाओ, मैं पीछे बैठी हूँ। दादी माँ मैं बात समझो बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो ना, पीछे बैठने में जरा तकलीफ होगी, सामने आराम से बैठ जाओ। ए, दादी माँ कह रही है तो बैठ जाओ ना, इसमें क्या है? आओ चलो बैठो। दादी माँ आरुषि हमारे साथ क्यों आ रही है? हमारा फैमिली चेकअप है ना। आरुषि का भी वीकली चेकअप वही होता है बेटा, इसलिए आज हमने उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है, हमारे साथ इसीलिए जा रही है। ओके। अंदर बैठो, हाथ है तुम्हारा। संभाल के सर, संभाल के। Are you okay?
दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा किसने बंद किया था? मुझे क्या पता। हेलो बहू, अब तबीयत कैसी है पुत्र? आपने ये अच्छा नहीं किया। होए अच्छा, जैसे तू तो बड़ा अच्छा ही कर रही है, हम तो समझ ही नहीं पाए तेरे महान कार्यों को। मुझे पता है कि आप लोग क्या चाहते हैं और मैं आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। अच्छा, क्या कर लेगा तू? है बता तो सही। ऐसा मत कीजिए वरना मैं आपके बेटे विहान को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। देख विभा, हमारे विहान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करना। मैं ऐसा कर सकती हूँ और अगर आपने अपनी चालें चलनी बंद नहीं की तो मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। तू फिकर मत कर जानवी, अभी मेरा काम चल रहा है ना, गिरीश मेरे बिजनेस में हाथ बटाएगा। आज ही मैंने उसे एक डिलीवरी के लिए भेजा है। जब तक वो कोई नौकरी नहीं ढूंढ लेता उसे इसी काम में लगे रहने दे। माँ जी, मुझे तो फिक्र इस बात की है कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ क्या हुआ? तो चुप क्यों हो गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, बस जानवी। तो चल मेरे साथ। क्या है जानवी, तुम और गिरीश इस तरह अलग अलग? हे भगवान, कब से चल रहा है ये सब? अगर पति पत्नी के बीच में ऐसे हालात है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। एक सांस होने के नाते मुझे ही कुछ करना होगा। माए मेरी बॉस है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें पकड़ के रखें। आज तो सब सच सामने आ ही जाएगा और तुम्हारा सारा खेल विहान भैया के सामने खुल जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी के अभी ये रोकना होगा। अपना मोबाइल फोन, वॉलेट, कीज वगैरह जो भी है यहाँ रख दीजिए। आइए कपड़े चेंज कर लीजिए। आइए, मुझे विहान जी को बता के उन्हें रोकना होगा।
जी आप टेस्ट के लिए मत जाना। आप मेरी बात का विश्वास करिए जानू, ये आपकी बॉडी का टेस्ट करवाने नहीं जा रहे, ये आपसे झूठ बोल के आपके ब्रेन का टेस्ट करवाने जा रहे हैं। आपको पता है ये लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इनसे झूठ बोल रही हूँ। ये लोग आपको मेरे से दूर करना चाहते हैं विहान जी। तुमने देर कर दी विभा, विहान अपनी टेस्ट के लिए अंदर जा चुका है। बहुत पछताओगी तुम आरुषि, जिंदगी भर पछताओगी इस बात पर। नहीं विभा, पछताओगी तुम, और आज तुम्हारे पछताने का दिन आ गया है, क्योंकि आज विहान के सामने उसकी असली रिपोर्ट्स आ जाएंगी और उसे सच्चाई का पता चल जाएगा कि तुमने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अब तुम्हारा खेल खत्म, आज तुम्हारा हमारे घर में आखिरी दिन है। सच्चाई का पता चलते ही विहान खुद तुम्हें थक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। मुझे किसी भी तरह विहान जी की असली रिपोर्ट डॉक्टर के पास पहुंचने से रुकवानी होगी। सारे टेस्ट हो गए हैं, मुझे आपसे आपके हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी है मिसेस वत्सल। जी डॉक्टर साहब, मैं हूं इनकी बीबी मिसेस वत्सल। आप मुझे इनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं? अरे विभा, तुम आ गई, कैसी तबीयत है तुम्हारी? विहान जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप आइए मिसेज वत्सल। विहान जी आप यही मेरा इंतजार कीजिए। जी डॉक्टर साहब, हम सब भी अंदर आ सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सब चलिए, आफ्टर ऑल आप सब इस परिवार का हिस्सा ही तो है। थैंक यू, चलो। अरे एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो आरुषि? तुम यहीं रुको विहान जी के पास, उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो दे देना। पर हां, तुम इस घर की फैमिली मेंबर नहीं हो, एक नौकरानी हो, समझी?